किसानों के आंदोलन के समर्थन में सीपीआईएम व झारखंड राज्य किसान संघ व एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। झारखंड राज्य किसान सभा के संयुक्त सचिव अजगर आलम ने कहा कि 20 सितंबर 2020 को जबरदस्ती किसान विरोधी कृषि विधेयक को पारित करवा लिया गया है। सरकार की जल्दबाजी का एक ही उद्देश्य है, कृषि को पूरी तरह कारपोरेट के हाथों में देना। मैंने उचित मूल्य मांग बोल रहे हैं साथियों, आज हमारे किसान 80% किसान और 20% ये कारपोरेटों का दलाल। धरना रखते हैं किसान सभा की ओर से, ये दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसी के समर्थन में आज ये धरना और वहाँ जो आंदोलन है। ये विगत दिनों में जो सरकार केंद्र सरकार ने किसी बिल पास किया है, चोरी छिपे या एक COVID-19 के स्थिति में ये जबरदस्ती जो किसी बिल पास किया, ये किसान के हित में है। और इसमें ये देखा जा रहा है कि किसानों का जो पहले था स्वामीनाथन रिपोर्ट, उसको जो लागू करने का था उसको लागू नहीं करने कर जो एक ऐसा बिल पास किया जिसमें कॉरपोरेट घरानों के फायदा के लिए बनाया है। ये लगातार कोशिश कर रहा है, पिछला दिन देखा गया मजदूर का बिल जो तोड़ने के लिए मजदूर का जो बिल है उसको पास किया, उसके बाद अब पीछे लग गया किसानों का खेती को हड़पने के लिए। जो अन्नदाता है, जो किसान जमीन में खरीद कर तैयार कर रहा है और पूरे आवाम को खिला रहा है, अन्न दे रहा है, उसी को गुलाम बनाने का ये साजिश है। ये साजिश के तहत इस साजिश में अडानी अंबानी ग्रुप भी शामिल है जो कॉरपोरेट है। ये पूरे स्थिति जो है अपने पाले में लाने के लिए ये मोदी सरकार को बाध्य कर रहा है। और मोदी सरकार जो है, केंद्र सरकार, हमारा भाजपा सरकार, ये जो है अडानी और अंबानी के इशारे पर नाच रहा है।